झारखंड में हॉकी का मैच हो रहा है और ऐसे में झारखंड में हॉकी का कुमार चढ़ा हुआ है। जितनी भीड़ स्टेडियम के अंदर मौजूद है उससे दोगुना बाढ़, और देख सकते हैं कि किस तरह से टीम इंडिया को सपोर्ट करने जो दर्शक है वो झारखंडी जो ढोल होता है मांदर, वो तासा तबला लेकर पहुंचे हुए हैं। तो एक अलग सा उत्साह और जज्बा झारखंड के लोगों में है, क्योंकि झारखंड में पहली बार इंटरनेशनल मैच हो रहा है, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हो रहा है, और ऐसे में आप आवाज़ इस मांदर की सुनिए। अगर हम दिखाएं तो किस तरह से झारखंड में हॉकी का हब माना जाता है, और कुछ लोगों से भी बात करते हैं, क्या कहेंगे, एंट्री आप लोगों को नहीं मिली, जगह फुल हो गई, फिर भी बाहर जुनून उतना ही है। हाँ तो है, जगह फुल हो गई, ठीक है, अंदर से निकल रहा था, वो लोग भी अभी निकला नहीं है, तो यहाँ भी बोला गया कि ठीक है बजाने जा रहा हूँ, वो लोग भी बोले कि ठीक है हम लोग बजाने ले जाएंगे, यहाँ पर हम लोग को रख दीजिए, हम लोग का गाड़ी पूरा खुला वाला है, तो वहाँ हम लोग ले रह सकते, कोई भी ले सकता है यहाँ से। टीम इंडिया को सपोर्ट करने आप लोग पहुँचे हैं? एकदम, टीम इंडिया को सपोर्ट करने पहुँचे थे हम लोग। हम लोग आए हैं उधर मांडर ब्राह्मे से पूरा गाजा बाजा के साथ में, और टीम इंडिया को सपोर्ट करना है, लेकिन हम लोग एंट्री नहीं मिल रहा है, हम लोग यहाँ गाजा बाजा बजाएं, जब अब नहीं मिल रहा है एंट्री, तो हम लोग वापस अब जाने का तैयारी कर रहे हैं। टीम इंडिया के लिए नारा लगा दीजिए। एकदम, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, जय इंडिया, जय इंडिया। झारखंड की तीन बेटियां भी खेल रही हैं टीम इंडिया में, काफी बेहतर प्रदर्शन मैदान में दिखा रही हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? मेरा शुभकामना उन लोगों के साथ में है, वही मतलब हम लोग वही बेटियों को देखने ही आए थे हम लोग, और हम लोग का मेरा शुभकामना उन लोगों के साथ में कि हमारी झारखंड की बेटियां आज एशियन गेम में खेल रही है, और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है हमारी झारखंड की बेटियां, और गोल पे गोल मार रही है। उन लोगों के लिए हमारे तरफ से पूरा हमारी जो टीम है, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई उन लोगों को, और अभी जो बेहतर कर रही है उससे और बेहतर करे, उस शुभकामना मेरे तरफ से है हमारे। तो सीधे तौर पर अब टीम इंडिया की कहीं ना कहीं नज़र जो है फाइनल पर है, क्योंकि जीत का सिलसिला बरकरार है, और अगर झारखंड में कोई आयोजन हो मांदर ना बचे ऐसा हो ही नहीं सकता। झारखंड की पहचान मांदर से है, और झारखंड की तीन बेटियां ग्रामीण इलाकों से, दूरवर्ती इलाकों से आकर मैदान में अपना प्रदर्शन दिखा रही है, तो तमाम लोग उन्हें सपोर्ट करने पहुँचे, तो कई रंग कई तस्वीर निकल कर सामने इस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 से आ रही है। फिलहाल हम आपको और भी कई तस्वीर हम दिखाएंगे लगातार, न्यूज पोर्ट पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में अलग अलग ढंग से अलग अलग तस्वीर अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, चाहे वह मैदान के अंदर की बात कर लें या मैदान की बाहर। लोगों में उत्साह चरम पर है, क्योंकि भारत लगातार मैच जीत रहा है और जीत के सिलसिले को बरकरार रखने उतर रही है। तो फिलहाल अब सीधे नज़र तमाम लोगों की फाइनल पर है, कि फाइनल पर जब एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में भारत जीत के उस कप को अपने नाम करेगी, और लोगों में उत्साह फाइनल के दिन और भी गजब का देखने को मिलेगा। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।